बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए जिले में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से विभिन्न पोल्ट्री फार्म में हैंडलिंग की गई। हालांकि अभी जिले में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से पूरी एहतियात बरतते हुए कई पोल्ट्री फार्म से सैंपल लेकर जांच के लिए जालंधर की प्रयोगशाला में भेजा गया। उपायुक्त यशवंत सिंह ने अधीनस्थ अधिकारियों व पोल्ट्री संचालकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। विभाग के उप निर्देशक देवेंद्र ने बताया कि कच्चे अंडे खाने से परहेज करें। क्या कहेंगे अपने यहाँ सैंपलिंग की? किस बारे में सैंपलिंग की गई है बर्ड फ्लू? सैंपलिंग देखिए, इस ज़िले में ये रूटीन की प्रक्रिया है। हम साल में ये सैंपल भेजते रहते हैं और अभी हमने 158 पोल्ट्री के सैंपल जालंधर लैब में भेजे हैं। ज़िले में स्थिति सामान्य है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक रूटीन का प्रोसेस है। अभी यहाँ कोई बीमारी का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ना यहाँ किसी प्रकार की अनयूजुअल मॉर्टलिटी वाइल्ड बर्ड पोल्ट्री फार्म किसी में नहीं हुई है। तो क्या कुछ हिदायतें बरतनी चाहिए सर? हिदायतें तो यही हैं, आम नागरिक इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो अंडा उबाल कर खाएँ, कच्चे अंडे से परहेज करें, जो भी मुर्गी का मीट है उसको अच्छी तरह पका के, क्योंकि ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये वायरस ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट है, हम कच्चा मीट खाते नहीं, तो पकने के बाद आपको इसमें कोई डर की बात नहीं है, आप उसको बेझिझक प्रयोग में ले सकते हैं। रोस्टेड की बात हो रही थी, बैन लगा हुआ। हाँ, रोस्टेड में भी टेम्परेचर मर जाता है वो वायरस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं।